हेलो तो ये वाली जगह से क्या आपको सी ई परचेस करना चाहिए या फिर आपको यहाँ से जो है वो पी -E की साइड में जाना चाहिए अगर आपने अगर कल वाला वीडियोस देखा होगा तो उसके अंदर हमने आपको क्लियरली अपडेट करके रखा था कि जो सी ई -E साइड का एंट्री होने वाला है एंड जो पी -E साइड का एंट्री मिलेगा वो कौन से लेवल से मिलेगा अब यहाँ पर जब मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो अपना क्या ऑलरेडी हो चुका है अपना ये वाले जो प्रॉफिट्स है ना ये ऑलरेडी बुक हो चुके हैं ठीक है अब इसके बारे में जो लाइव मार्केट के अपडेट्स होते हैं पी साइड के एंड सी साइड के वो आपको हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट मिलता रहता है तो आप यहाँ पे आकर के ज्वाइन कर सकते हो ये है बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड ठीक है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड यहाँ पे बिल्कुल लाइव मार्केट के अपडेट आपको देखने मिलते हैं वो भी डेली ठीक है टेलीग्राम पर जाइए बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड सर्च करिए आसानी से इसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो अब हम ये देखने वाले हैं कि जो क्विक एंट्री लेवल्स रहने वाले हैं उसके हिसाब से मार्केट को कहाँ पे जाना चाहिए अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट का अगर आप सेंटीमेंट देखते हो तो मार्केट कहीं ना कहीं ये जो, जो जोन है ना इस जोन के आसपास चल रहा है अगर मार्केट हमारा फिफ्टी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी के लेवल्स के आसपास आता है कहीं ना कहीं ये वाले लेवल्स पे तो हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ से एक अपर साइड के लिए प्लानिंग कर सकते हैं मतलब कि जो सीई साइड -E का लेवल्स हो सकता है ना अब ये किसके लिए चल रहा है ये चल रहा है क्विक एंट्री वाले लेवल्स के लिए अगर क्वीक इंडल लेवल्स हमें इस जगह के आसपास मिल जाते हैं तब जाकर के हम ऊपर की साइड का प्लानिंग कर सकते हैं यानी कि सी साइड का प्लानिंग हम वहाँ पे कर सकते हैं लेकिन अगर ऐसे पॉसिबल नहीं होता एंड कहीं ना कहीं मार्केट जैसे ऊपर ना जाते हुए अगर हमें रिजेक्शन का मौका मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं अगर मार्केट का जो सेंटीमेंट है मतलब कि फिफ्टी अगर ये इस लेवल्स के आसपास आकर के रिजेक्शन लेने की कोशिश करता है तो फिर कहीं ना कहीं हम यहाँ पे एक डाउनफॉल के टारगेट के लिए एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं टारगेट हमारा फिफ्टी टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड थर्टी फाइव का हो सकता है अब ये काफ़ी बड़ा टारगेट रहेगा सेवेंटी एटी पॉइंट से भी थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ये टारगेट हमें वहाँ पे देखने मिल सकता है एंड इसी के साथ में जो भी लाइव मार्केट का इंपॉर्टेंट चीज़ें होगा या फिर इंपॉर्टेंट अपडेट होगा वो आपको हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड तो डेफिनेटली आप यहाँ पर आकर के ज्वाइन कर सकते हो एक अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो फिर कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि यहाँ से जो अपर साइड का मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं आपको फिफ्टी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव के ऊपर भी देखने मिल सकता है अगर मार्केट कहीं ना कहीं इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो जा करके हम क्या कर सकते हैं एक लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से फिफ्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव एंड फिफ्टी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन ये दो टारगेट्स के लिए वापस जा सकते हैं अगर वहाँ से रिजेक्शन लेते हुए मतलब के हाँ रिजेक्शन एंड सपोर्ट दोनों का अगर मेल वहाँ पे बनता है तब जा करके ऊपर के साइड का टारगेट हम वहाँ पे प्लान कर सकते हैं ठीक है ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऊपर के साइड में कौन सी लेवल्स हमारे पास इंपॉर्टेंट निकल के आने वाली है इससे रिलेटेड इस मैं आपको बहुत से इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखते हो अगर आपने हमारे यूट्यूब वाले चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो आपको पता होगा अब देखिए यहाँ से ना एक नेगेटिविटी भी आने वाली है एंड ये वाली जो जगह है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगी अब ये इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी मतलब कि फिफ्टी इससे ऊपर के टारगेट भी हमें मिल सकते हैं लेकिन ये जगह इसलिए इंपॉर्टेंट e. है क्योंकि आपको यहाँ पर एक पी साइड का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है ठीक है अब पी साइड का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है इसका मतलब क्या होता है कहीं ना कहीं अब यहाँ से जो है वो डाउन साइड के ट्रेड का प्लान कर सकते हो ठीक है अब डाउन साइड के ट्रेड का प्लानिंग आपको इस लेवल से किया जाएगा अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे आने की कोशिश करता है और उसके साथ में अगर हमें यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है तो ठीक है और अब हम इस लिए बेहतरीन से रिजेक्शन अपॉर्चुनिटी अगर आपको सी साइड में जाना है तो वो कौन सा रहेगा तो वो रहेगा फिफ्टी टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोटी फाइव के आसपास में ठीक है तो ये लेवल्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी बैंक में अगर निफ्टी बैंक इस जगह पे आकर रिजेक्शन लेता है तो ऊपर की साइड का ट्रेड प्लान वहाँ पे किया जा सकता है अपर साइड के लिए प्लानिंग के हिसाब से एंड उसी के हिसाब से अगर हमें यहाँ पे डाउन साइड का प्लानिंग करना है डाउन साइड के ट्रेड प्लान करना है तो फिर हम क्या करेंगे हम वहाँ पर डाउन साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं लगभग फिफ्टी टू के लेवल्स पे ठीक है तो ये लेवल्स हमारे पास बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये वही लेवल रहेगा जहाँ से अपर साइड लेवल्स एंट्री प्लानिंग एंड डाउन साइड का एंट्री प्लानिंग किया जा सकता है ठीक है ऐसे कुछ तरीके से हम यहाँ से अपर साइड एंट्रीज एंड डाउन साइड का एंट्रीज प्लान कर सकते हैं अब इसके साथ में यहाँ पे और क्या क्या रहेगा या फिर मार्केट ऐसे ऊपर जा पाएगा या फिर मार्केट ऐसे ऊपर ना जा पाएगा वो देखने वाले हैं अभी डाउन साइड में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक बड़े से फॉर्मेशन का हम यहाँ पे नज़र आने वाला है बड़ा फॉर्मेशन यानी कौन सा फॉर्मेशन है ये देखिए क्या आपको समझ में आ रहा है ये फॉर्मेशन अभी कौन सा होने जा रहा है तो यहाँ पे जो एक फॉर्मेशन होता है इस लेवल्स के आसपास में वो फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हुआ नहीं तो ये कौन सा पैटर्न होता है आप बता सकते हो मुझे तो ये फॉर्मेशन अगर यहाँ पे प्रॉपरली फॉर्म हो जाता था तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली मार्केट यहाँ से जो है वो कंटिन्यूसली नीचे आता लेकिन फिर भी ये फॉर्मेशन नहीं हुआ उसके बावजूद भी मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका था अब अगर हम यहाँ पे पॉइंट्स की बात करें कि लगभग मार्केट कितना नीचे आया होगा लगभग फाइव पॉइंट्स किसी ने अगर डाउन साइड से भी एंट्री प्लान किया होगा तो उसको भी लगभग थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी पॉइंट्स के जो है वो टारगेट्स अचीवमेंट में मिल चुके होंगे अब अगर मार्केट यहाँ पे नहीं आया है एंड यहाँ पे अगर मार्केट ने वो लेवल्स हमें नहीं दिया है तो फिर कहीं ना कहीं इस लेवल्स के आसपास हमें वो मिल सकता है यानी कि मार्केट यहाँ पर ना जाते हुए मार्केट सीधा यहाँ से क्रॉस में जाएगा एंड यहाँ से अगर मार्केट नीचे निकलता है तो फिर हमारे लिए फिफ्टी वन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फिफ्टी का जो सबसे बड़ा टारगेट होने वाला है मार्केट्स के लिए वो देखने मिलेगा ठीक है लेकिन अब इसका मतलब होता क्या है कि मार्केट जो रिजेक्शन जोन के पास में है वहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए उसके सपोर्ट को मार्केट को ब्रेक करना चाहिए एंड उसके बाद में अगर हमें वहाँ पे एंट्री मिलती है तब हम वो एंट्री प्लान वहाँ पे कर सकते हैं उससे पहले हम वहाँ पे निफ्टी बैंक के अंदर तो भी फिलहाल एंट्री प्लान नहीं करेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट इसके लेवल है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ अब वो इम्पोर्टेंट लेवल कौन से कौन से है आप देखिएगा इसके इम्पोर्टेंट लेवल्स की बात करने से पहले आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब देखिए इंपॉर्टेंट लेवल नंबर वन फिफ्टी लेवल नंबर थ्री हमारा रहेगा यहाँ पे फिफ्टी टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड थर्टी फाइव ठीक है उसके बाद में 9200 no टू हंड्रेड ये थ्री हंड्रेड एंड थर्टी फाइव एंड डाउन साइड का मैं मैंने आपको लेवल बता दिया है अगर हम यहाँ पे टारगेट लेवल की बात करें मतलब अगर टारगेट्स हमें चाहिए तो लगभग फिफ्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी का जैसे मैंने आपको बता के रखा हुआ था उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टारगेट हमारे पास यहाँ पे निकल जाएगा फिफ्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी का ठीक है ये 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 एंड ये ये कुछ ऐसे टारगेट्स होने वाले जो मार्केट्स के अंदर अपर साइड में अचीव हो सकते हैं इसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी यहाँ पर रहेगी जैसे कि मार्केट का कंटिन डाउन फ्लो का मोमेंटम तो यहाँ पे जो हम कंसीडर कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से जो है वो यहाँ पर आना चाहिए था लेकिन आया नहीं तो ये वाला मोमेंट अगर पेंडिंग रहेगा मार्केट का तो मार्केट डेफिनेटली इस लेवल्स के आसपास आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे यानी कि फाइव हंड्रेड फिफ्टी का जो टारगेट रहेगा वो हमें वहाँ पर देखने मिल सकता है ठीक है तो फाइव फिफ्टी के टारगेट्स की जब आप जा सकता है मार्केट एंड उसके साथ में अगर इससे डाउन साइड में जाना है तो डाउन साइड का भी जो इम्पोर्टेंट लेवल है ठीक है तो थोड़ा सा दो तीन लेवल रखेंगे हम एक लेवल मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है सेकेंड लेवल क्विक एंट्री के हिसाब से वहाँ पर रहेगा टारगेट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है कि एट फिफ्टी के आसपास भी मार्केट जा सकता है एक बड़े मूव के साथ एंड बड़े एसएल के साथ में अगर कोई ये कर सकता है तो ही ये करिए नहीं तो ये वाले जो है लेवल्स को आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो तो भी चल जाएगा ठीक है अब इसके साथ में अगर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी मार्केट्स में उसका अपडेट आपको हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में डेफ़िनेटली मिल जाएगा देखने के लिए तो ये जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे आकर के ज्वाइन कर लीजिए टोटली टोट टोटली फ्री टू तो ज्वाइन है आज भी यहाँ पे लेवल दिया था काफ़ी बढ़िया से 200 प्लस पॉइंट्स के टारगेट हमारे इजीली अचीव वहाँ पे हो चुके थे तो आप भी डेफिनेटली आकर के इस फ्री टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो